Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कैनाथ दीवल। आप सबका मेरे चैनल कैनाथ दीवल में स्वागत है। कैसे आप सब आइए, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी आप सबकी दुआ से रमना बिल्कुल अच्छी हूँ। अभी हम लोग आए हैं गिफ्ट सेंटर। 2 घंटे फराज की मिन्नतों के बाद में फरीद जी का दिल पिघल गया है और फरीद जी अपने लाल को, अपने कुलब्बा को, अपने लाल बादशाह को गिफ्ट सेंटर लेके आए हैं और उसकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए जब उनको आते हैं तो इसको यहाँ आना होता है इनके साथ में। तो चलिए अंदर देखते हैं कि कितना मूड खराब करता है हम लोगों का। चलिए अंदर चलते हैं। चले फरीद जी, चलिए अंदर चलते हैं। फ्रेंड्स अभी हम आए थे फ्रेंड्स को इंजेक्शन लगवाने, बस अब हम लोग इंजेक्शन लगवा के जा रहे हैं घर। और फरीद जी क्या लेके आए? आज मार्केट से शॉपिंग हुई। अच्छा, शॉपिंग हुई है। आज शायद पहली बार ऐसा हुआ होगा कि पहली शॉपिंग फरीद जी की हुई है। वरना फरीद जी हमेशा हमें दिलाते हैं पहले। आज सबसे पहले फरीद जी को मिला दिला दिए। अरे वाह फरीद जी, बड़ी अच्छी टी शर्ट लाए हो आप तो। कायनात ने दिलाया है। अच्छा चल। कन्नू, अरे वाह अल्लाह, कितने अच्छे अच्छे कलर लाए हो फरीद जी। अच्छा हाँ, खूब पहनो अल्हम्दुलिल्लाह। अरे शुक्रिया, क्या बात है। लोअर कहाँ गया, हो गया? अभी लोअर भी लेके आए हैं। चलिए ऐसा ही है, गर्मी की शॉपिंग हो गई है फरीद जी के। हैप्पी? अरे वॉल्यूम तेज करो अपना। मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा आज अच्छे अच्छे को दुकान मिलेगा सीधा है कि अपने मन पसंद के ले लीजिए। बहुत अच्छा लगा। तो फ्रेंड्स अभी फरीद जी की छोटी सी शॉपिंग हुई है क्योंकि वैसे भी गर्मी वाली शॉपिंग तो करनी ही थी और फरीद जी का आ रहा है बर्थडे। तो मैंने कुछ सरप्राइज अभी कपड़ों को लेके नहीं किया क्योंकि मैंने सोचा कि मैं ही हमेशा अपने मन से ले आती हूँ और फिर पहना देती हूँ। तो मैंने सोचा कि नहीं, आज फरीद जी अपने मनपसंद के कपड़े लें। तो वहाँ पर मैं ले गई, इनको बताया नहीं था हमने, और मैं उनको लेके गई। इनको लगा कि शायद ये मेरे किसी काम से जा रहे हैं, तो जब मैं वहाँ पर लेके गई इनको तो फिर मैं कह रहे बताओ क्या लेना है, हमने कहा मुझे नहीं लेना है, आपको लेना है। तो कह रहे नहीं नहीं मुझे नहीं लेना है, ये बहुत कम लेते हैं, हम लोग को दिलाते रहते हैं, अपने लिए बहुत ही कम लेते हैं। तो इनके पास बस गिफ्टेड चीज़ें रहती हैं, जैसे मैंने दिला दिया, मम्मा लोग ने दिला दिया, तो ये अपने लिए बहुत ही कम लेते हैं। तो हमने कहा कि कह रहे मुझे नहीं लेना, मेरे पास ज़रूरत नहीं, मुझे मौका नहीं मिलता इतना पहनने का। हमने कहा मौका मिलता है नहीं मिलता, मेरे पास तो मौका मिलता है, आप लीजिए और पहनिए, अभी गर्मी का भी टाइम है। तो बस फिर इन्होंने लिया और फिर बुरा किसको लगता है, लेने के बाद में खुशी ही होती है। तो अभी इनका बर्थडे आ रहा है, 2 जुलाई को इनका बर्थडे है, तो हमने कहा बर्थडे के लिए भी ले लीजिए और ऐसे ही पहनने के लिए ले लीजिए। और अभी देखिए आगे क्या करते हैं हम लोग। अच्छा 2 जुलाई को नहीं, अभी तो रोज ही मिलेंगे, अभी तो रोज ही मिलेंगे। इनको शायद याद नहीं था ना आपको बर्थडे का, कि बर्थडे के लिए मैं कपड़े दिलाने आई हूँ। हाँ तो चलिए कोई नहीं, और शायद बर्थडे के दिन हम लोग मौदा में होंगे। हाँ तो चलिए इस बार फरीद जी का बर्थडे हम लोग मौदा में मनाते हैं। हाँ तो चलिए फ्रेंड्स अब मैं यहीं पर अपने ब्लॉग को एंड करती हूँ। आप लोग अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे ब्लॉग देखते रहिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय, जय हिंद।
जय भारत।